हेलो दोस्तों, आज मैं दो तरह की नमकीन की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हो। इस दीपावली पे आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करें, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ले लेंगे गेहूं का आटा। तो मैंने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। आप यहाँ पे मैदा भी ले सकते हो। आधा चम्मच नमक डाल देंगे टेस्ट अकॉर्डिंग। 1 चम्मच इसमें अजवाइन डालेंगे, अजवाइन को क्रश करके डालें। आधा चम्मच इसमें कलौंजी डालेंगे, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है और देखने में भी अच्छा लगता है। 2 चम्मच इसमें सफ़ेद तिल डाल देंगे। 2 चम्मच कसूरी मेथी, कसूरी मेथी से भी बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, हाथ पे क्रश करके डाल दें। कसूरी मेथी के जगह पे आप यहाँ पे कढ़ी पत्ता भी तोड़ के डाल सकते हो या चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो। यहाँ मैंने ले लिया है 1/4 कप ऑयल। आप यहां पे घी भी ले सकते हो, लेकिन मैं यहां आगे घी यूज करने वाली हूं, इसीलिए यहां पे मैंने ऑयल डाला है। तो 1/4 कप में मैंने यहां थोड़ा सा भी ऑयल डाल के इसे मिक्स करके और पहले देख लेंगे। तो यहां पे ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा है तेल मुझे मिक्स करने के बाद। इसमें अच्छा सा मोयन रहना चाहिए, तो पहले बांध कर देख लें। बाकी का तेल जो है वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, अब इसे बांध कर देखेंगे। तो यहाँ मैंने 2 कप गेहूं के आटे में 1/4 कप तेल डाल दिया है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद बांध कर देखें। देखिए जैसे मैं इसे बांध रही हूँ तो कैसे ये लड्डू की तरह बन रहा है, बस इसी तरीके से ये बनना चाहिए। अगर इसमें ऑयल अच्छे से डालेंगे तो ये बहुत ही खास्ता बनकर तैयार होगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सॉफ्ट डो लगा कर तैयार करेंगे। हल्का सा सॉफ्ट डो लगा के तैयार करें, ना ज़्यादा हार्ड और ना ज़्यादा सॉफ्ट। तो हल्का सा सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर लेंगे। जैसे हम कचौड़ी के लिए डो लगाते हैं उससे थोड़ा सा सॉफ्ट डो लगा के तैयार करें। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए डो लगाएं। तो यहाँ मैंने सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर लिया है, ना ये ज़्यादा हार्ड है और ना ज़्यादा सॉफ्ट। तो देखिए जैसे ही मैं इसे छू रही हूँ तो आपको छूने से ही लग रहा होगा कि आटा ना ज़्यादा हार्ड है और ना ज़्यादा सॉफ्ट। तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा ना लगाएं, नहीं तो बेलने में दिक्कत होती है। इसे ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम साटा बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें 2 चम्मच घी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे घी ले लिया है। घी हमें बहुत ज़्यादा पिघला हुआ नहीं चाहिए, हल्का सा गाढ़ा ही घी लेंगे, जमा हुआ घी ले। 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो यहाँ पे अरारोट भी डाल सकते हो या मैदा भी ले सकते हो। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे तब तक मिक्स करें जब तक कि ये हल्का क्रीम जैसा ना हो जाए, तब तक इसे मिक्स कर लें। 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से फेंटते हुए मिक्स कर लेना है। तो देखिए इसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, तो ये हल्का सा क्रीम जैसा हो चुका है। तो ये साटा बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए आटा के तरफ चलते हैं। डो को भी रखे हुए 10 मिनट हो चुका है, तो इसे मसलते हुए थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से मसलते हुए पहले इसे सॉफ्ट कर ले और लंबा रोल कर लेंगे। तो 4 भागों में मैंने इसे बड़ा बड़ा लोई में कट कर लिया है। अब एक लोई ले इसे गोल करेंगे और इसे बेल लेना है। तो पतला बेलेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलेंगे, इसे पतला ही बेल लेना है। तो इसे मैंने बेल लिया है, आप देख सकते हो ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा इसे मैंने पतला बेला है। इसके ऊपर तैयार किया हुआ साटा लगाएंगे। तो इसे अच्छी तरीके से लगाएं फैलाते हुए, तो जितने अच्छे तरीके से आप इसे लगाएंगे उतनी इसकी लेयर बनकर तैयार होगी। तो अच्छी तरीके से उंगलियों से फैलाते हुए लगा लें। अब नीचे से इस तरीके से घुमाते हुए रोल कर लेना है। तो टाइट रोल करें, जितना हो सके उतना आप इसे टाइट रोल कर लें। तो इस तरीके से घुमाते हुए रोल कर लेना है। इसे हल्का सा इस तरीके से हाथ से घुमाते हुए लंबा कर लेंगे। तो देखिए ये अच्छी तरीके से लंबा हो चुका है। तो चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा पहले आप हल्का सा कट कर ले और इस तरीके से जैसे हम बाकर बड़ी बनाते हैं उस तरीके से कट कर लेना है।
एक एक लेयर बहुत ही अच्छी बनके तैयार होता है। और ये देखिए इसकी लेयर, तो हथेली से थोड़ा सा हल्के हाथों से इसे दबा देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं दबाएंगे, बस हल्का सा इस तरीके से दबा लें। तो आपको इसी तरीके से सभी लोई बनाकर तैयार कर लेना है, बेल ले, फिर उसके ऊपर साटा लगा लेंगे और इसे रोल करते हुए कट कर लेना है। तो हल्का सा इसे हमें बेलना है, पूरी की तरह नहीं बेलेंगे, बस हल्का सा थोड़ा मोटा ही रखेंगे। तो इसी तरीके से आप सभी बनाकर तैयार कर लें। सभी लोई को बेल के और रोल करके इसे मैंने कट कर लिया है, आप देख सकते हो। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के बाद और भी इसकी लेयर जो है वो अलग अलग दिखने लगता है। तो तेल को मीडियम गर्म रखेंगे और इसमें एक एक करके जितने इसमें मठरी आ जाए उतना मठरी इसमें डाल देंगे। अभी फ्लेम को मीडियम रखेंगे, जैसे ही सारा मठरी इसमें डाल दे जितना मठरी आना हो, उसके बाद फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। तो यहाँ मैंने मठरी डाल दिया है, अब फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और इसे पकने देंगे। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे आप पकने दें। थोड़ी देर पकने देने के बाद हम इसे पलट लेंगे। मठरी को पकाते हुए 2 मिनट हो चुका है, तो इसे पलट लेंगे। जब लगे कि ये हल्का सा नीचे से पक चुका है तो इसके बाद ही आप इसे पलट लें। दोनों तरफ से पलटते हुए मठरी को हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हमें पका लेना है, बहुत ज़्यादा इसे गोल्डन नहीं करना है। थोड़ी देर बाद आप देख सकते हो कि मठरी में कितना ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है, बहुत ज़्यादा मठरी को हम गोल्डन नहीं करेंगे। सेम प्रोसेस से सारा मठरी आप इसी तरीके से फ्राई कर ले। तो मठरी को आप लो फ्लेम पे ही फ्राई करें, अगर ज़्यादा तेज फ्लेम पे आप करेंगे तो इसकी लेयर नहीं दिखेगी, इसलिए आप इसे लो फ्लेम पे ही करें। गेहूं आटा से सारे मठरी बनाकर तैयार कर लिया है, आप इसकी लेयर देख सकते हो और आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा। गेहूं आटा से मठरी बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब बनाते हैं बेसन से बहुत ही मज़ेदार सा नमकीन। तीखा चटपटा सा नमकीन बबनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 कप बेसन ले लिया है। तो मैंने यहाँ पे 3 कप बेसन का मेजरमेंट रखा है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है टेस्ट अकॉर्डिंग, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर। अगर आप कुछ ज़्यादा तीखा पसंद करते हो तो 1 चम्मच मिर्च पाउडर आप डाल सकते हो। 1/2 चम्मच दरदरा किया हुआ मैंने यहाँ पर धनिया डाल दिया है, 8 से 10 क्रश किया हुआ काली मिर्च डाल देंगे। तो क्रश करके डालें, टेस्ट अच्छा आता है। 1/2 चम्मच अजवाइन, अजवाइन को भी हाथ पे क्रश करके डालें। 1/4 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा डाल दिया है और 1/2 छोटी चम्मच हींग, हींग को आप पानी में भी भिगो के डाल सकते हो। 3 बड़ी चम्मच मैंने यहाँ पे सरसों तेल डाला है, आप यहाँ पे सरसों तेल के जगह पे रिफाइन ऑयल भी ले सकते हो। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक डो तैयार कर लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका डो हमें बिल्कुल सॉफ्ट बनाकर तैयार करना है, थोड़ा सा भी हार्ड डो नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो लगाएंगे। बेसन है तो ये थोड़ा बहुत हाथ में चिपकता भी है। और ये देखिए मैंने कितना सॉफ्ट डो लगा के तैयार किया है, तो इस तरह का बिल्कुल सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर ले। इसे तब तक हम 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखते हैं। जब तक ये सेट हो रहा है तब तक तेल गर्म होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है और तेल यहाँ पे अच्छा गर्म हो चुका है, तो इसके लिए तेल हमें अच्छा गर्म चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है झाड़े, अक्सर सभी के घरों में ये रहता ही है, एक बड़े साइज़ का हलवाई सबके जो पास होता है। अगर आपके पास वो झाड़े हैं तो आप उसमें भी ये बना सकते हो, अगर नहीं तो मशीन में जो हम नमकीन बनाते हैं तो उस मशीन में भी आप ये बना के तैयार कर सकते हो।
तो ये जो सभी के घरों में ये झाड़े रहते हैं, तो मैं आज इसी झाड़े में बनाकर दिखा रही हूँ। तो थोड़ा सा मैंने ये डो जो तैयार किया हुआ डो इसके ऊपर रखेंगे और हाथ से इस तरह हथेली से इस तरह से दबाते हुए हमें नमकीन बनाना है। फ्लेम को बिल्कुल इस समय आप हाई रखें, हाई फ्लेम पे ही बनाना है। अगर लगे कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म है तो फ्लेम को आप लो कर सकते हैं। तो हथेली से इस तरह से दबाते हुए बहुत ही अच्छी सी नमकीन बनाकर तैयार कर सकते हैं। दोनों तरफ से पलटते रहे, अच्छी तरफ से पलटते पलटते हुए हमें इसे फ्राई कर लेना है। 1 से 1.5 मिनट में ही ये फ्राई होकर तैयार हो जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता है इसे फ्राई होने में। जैसे ही ऊपर का झाग ख़त्म हो जाए, बबल्स आना बंद हो जाए, इसके बाद इसे निकाल लेना है। बहुत तेज़ी से ये फ्राई हो जाता है, तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है। तो देखिए ये क्रिस्पी हो गया है, ऊपर से जो बबल्स है वो बंद हो चुका है आना, तो हम इसे निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस से इसी तरह से सारा नमकीन बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ डो थोड़ा सा हार्ड लग रहा था, तो मैंने हल्का सा पानी डाल के डो को हल्का सा और सॉफ्ट कर लिया है। तो हथेली से जब इस तरह से हम दबाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़े, इस तरह का डो रखना है। हल्का सा हथेली दबाते जाए और आसानी से ये निकलता जाए, इस तरह का डो रखे। अगर लगे कि बहुत ज़्यादा हार्ड है तो आप थोड़ा सा पानी डाल के डो को सॉफ्ट कर सकते हैं। और हाई फ्लेम पे इस तरह से हमें फ्राई करके तुरंत निकाल लेना है। इस तरह से आप ये नमकीन बना के स्टोर करके रख सकते हैं, मार्केट से भी लाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अपने हाथों से कुछ बनाओ तो उसकी खुशी ही कुछ अलग होती है और खाने का स्वाद भी डबल हो जाता है। तो ये लीजिए टेस्टी टेस्टी नमकीन बनकर तैयार है, बहुत ही चटपटा टेस्टी क्रिस्पी सा नमकीन बनकर तैयार होता है। थोड़े से बेसन में आप ढेर सारा नमकीन बनाकर तैयार कर सकते हो। आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना क्रिस्पी कुरकुरा नमकीन बनकर तैयार हुआ है। इसे आप 2 से 3 महीने आराम से महीने पर एयर टाइट कंटेनर में भर के स्टोर करके रख सकते हो। 2 तरह के खास्ता क्रिस्पी नमकीन बनकर रेडी हो चुका है, इसे आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।